दोस्तों आज हम बात करेंगे साउथ ईस्ट एशिया में बसे एक सुंदर देश फिलीपींस के बारे में। और अगर आप इस देश में घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ जाने पर कितना खर्चा होगा और कैसे इस देश का हम आसानी से वीजा ले सकते हैं। यहाँ की लड़कियाँ सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और फिलीपीनी लड़कियों का सबसे ज्यादा रिलेशनशिप फेसबुक के जरिए इंडिया के आदमियों से ही होता है। फिलीपींस की लड़कियों का मानना है कि भारत के लड़के एक ही लड़की के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं, जबकि फिलीपीनी लड़के ऐसा बिल्कुल नहीं करते। दोस्तों फिलीपींस के लोग बहुत फ्रेंडली होते हैं और अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहते हैं, इसीलिए यहाँ के लोग भारतीयों को काफी पसंद करते हैं। इस देश में फिलिपिनो बोली जाती है, पर अधिकांश लोग इंग्लिश अच्छे से समझते और जानते हैं। फिलिपिनी लोग व्यवहार में काफी प्यारे और अच्छे होते हैं, वह सबसे मिलजुल कर रहते हैं। दोस्तों अगर आप फिलीपींस जाना चाहते हैं तो इस देश का वीजा लेना जरूरी होता है, जिससे आप इस देश में मनीला और सीबो जैसे सुंदर शहरों को सस्ते में घूम सकते हैं। दो लोगों को 14 दिन यहाँ आराम से बिताने में कम से कम 60 से 70 हजार रुपए तो लगते ही हैं। साथ ही इस देश का सबसे बड़ा शहर क्वीन जोन है और दूसरा मनीला। मनीला सिटी फिलीपींस की राजधानी कहलाती है। 92% लोग क्रिश्चियन हैं, 6% मुस्लिम और 2% में अन्य धर्मों के मानने वाले हैं। दोस्तों ये देश सस्ता होने के कारण लोग यहाँ कम पैसों में अय्याशी करने आते हैं। जैसे थाईलैंड पूरी दुनिया में सेक्स टूरिज्म के लिए फेमस है, वैसे ही फिलीपींस को भी सेक्स टूरिज्म के लिए जाना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपींस में 15 से 30 साल की लड़कियां और महिलाएं, जिनकी संख्या तकरीबन 5 लाख से भी ज्यादा है, ऐसी हैं जो इस काले धंधे से जुड़ी हुई हैं। इस देश का ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस है। यहां पर यूज होने वाली करेंसी को फिलीपीनी पीसो कहते हैं और एक फिलीपिनो पीसो भारतीय रुपए में 1.5 रुपए के बराबर है। दुनिया के 10 में से 3 सबसे बड़े शॉपिंग मॉल यहीं मौजूद हैं। फिलीपींस इस समय 7,600 से ज्यादा आइलैंड से मिलकर बना देश है, जिसका कुल एरिया 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। ये देश क्षेत्रफल के मामले में दुनिया में 72वां बड़ा देश है। साथ ही यहाँ पर 10,95,81,000 लोग रहते हैं, जो इसे जनसंख्या के हिसाब से 13वां बड़ा आबादी वाला देश बनाते हैं। फिलीपींस को दुनिया में सबसे ज्यादा नारियल उत्पादक देश माना जाता है और यहीं से अधिकांश जगहों पर नारियल एक्सपोर्ट होता है। चमेली का फूल नेशनल फ्लावर है, जिसे इस देश के झंडे पर भी देखा जा सकता है। द फिलिपियन ईगल यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। वाटर बफेलो क्राबाओ कहते हैं इस देश का राष्ट्रीय पशु है। 69 साल एवरेजन लोग यहाँ पर जीते हैं, पढ़े लिखे लोग 98% हैं। तो दोस्तों अगर आपको फिलीपींस की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।